नमस्ते बच्चों, आज हम मनुष्यता कविता जो है हमारी 10वीं कक्षा की, उसका आज हम दूसरा भाग देखेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि मनुष्यता मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी हुई यह कविता है। इसे हमने भाग एक में समृत्यु के बारे में देखा, उदार लोकवादियों मनुष्यों के बारे में देखा कि किस तरह से रंतिदेव, दधीची, कर्ण इन्होंने अपने प्राणों को किस तरह से लोगों के कल्याण खातिर दिया। उसी तरह से सरस्वती किसका बखान करती है, ये धरती किसका किसकी कृतज्ञता मानती है, तथा यहाँ पर हमने महात्मा बुद्ध के बारे में भी जानकारी हासिल की है कि किस तरह से तत्कालीन समाज ने उनका उस समय विरोध किया और वही विरोध करने वाले लोगों ने आखिर भगवान गौतम बुद्ध की उस दया भाव और उदारता को देखकर किस तरह से उनके सामने झुके और उनके उस धर्म का स्वीकार किया। अब बच्चों, आज हम मनुष्यता कविता के भाग दो में हमारे काव्यांश के अगले पंक्तियों को पढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे हमारे काव्यांश नंबर 5 को अब हम पढ़ते हैं। हमारा 5वां काव्यांश है, रहो न भूल के कभी मदाद तुच्छ वित्त में, रहो न भूल के कभी मदाद तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भावक जो करे, वही मनुष्य है कि मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, मदांध यानी गर्व से अंधा, तुच्छ यानी महत्वहीन, वित्त यानी धन संपत्ति, सनात यानी जिसका साथ ईश्वर हो, अनाथ यानी बेसहारा, त्रिलोकनाथ यानी तीन लोकों के स्वामी, दीन बंधु यानी दीनों के रक्षक यानी गरीबों के रक्षक, अतीव यानी अत्याधिक, भाग्यहीन यानी अभागा, अधीर यानी धैर्य न होना। इस काव्यांश का भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने धन के उन्माद में अहंकारी न होने की प्रेरणा दी है। कवि के अनुसार धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती है, यह मात्र एक तुच्छ उपलब्धि है। इस पर कभी भूलकर भी घमंड नहीं करना चाहिए। धन के बल पर या सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके अपने मन में अभिमान न करना, यह न सोचना कि तुम तो सनात हो, धन या परिवार जन तुम्हारे नाथ है, यानी जो ये धन संपत्ति यही तुम्हारा परिवार, इस तरह से आपको नहीं समझना है। जो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे, सोच कर देखो, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सबके ही सिर पर भगवान त्रिलोकनाथ का साया है, वह नश्वर दिनों को यानी गरीबों का सहारा है, दयालु है, वह सबको सुरक्षा और सहारा देता है। अतः जो भी मनुष्य अपने मन में अधीरता रखता है वह बहुत अभागा है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्य के काम आता है, उनके लिए जीता है और मरता है। बच्चों, यहाँ पर जो काव्यांश है उसमें से कवि हमें यही कहना चाहते हैं कि हमें धन संपत्ति का गर्व नहीं करना चाहिए और ना ही कभी किसी को अनाथ समझना चाहिए, क्योंकि कोई इस संसार में अनाथ नहीं है। जो हमें अनाथ लगते हैं उन सब का ईश्वर होता है, और इसीलिए यहाँ पर मनुष्य ने केवल लोगों के काम माने चाहिए, सभी को अपना मानना चाहिए और उसके साथ उसी तरह से भेदभाव
किसी तरह का भेदभाव न करते हुए केवल मनुष्य के परोपकार के लिए जीना है और मरना है, यही यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि धन जो है वो एक पानी की तरह होता है जो कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, इसीलिए संपत्ति के ऊपर या पैसों के ऊपर कभी भी घमंड न करते हुए मनुष्य को अपनाओ, मनुष्य की संपत्ति बढ़ाओ, वही बहुत बड़ी ताकत है और आगे चलकर वो भी आपके बड़े ही काम आने वाली है। तो इसी तरह से उन्होंने धन के ऊपर गर्व न करते हुए मनुष्य को महत्व देने के लिए यहाँ पर कहा है। अब हम पढ़ते हैं हमारा छठा काव्यांश। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। रहो न योगी एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत का अर्थ है जिसका अंत न हो। समक्ष यानि सामने, स्वबाहु यानि अपनी भुजाएं, परस्परावलंबन एक दूसरे की सहायता से। अमर्त का अर्थ है अंक देवताओं की गोद, अपंग यानि कलंकित रहित। का सरे का अर्थ है काम निकले। पढ़ते हैं इस भावार्थ को, कवि क्या समझाना चाहते हैं। कवि के अनुसार उस अपरिमित आकाश में असंख्य देवगण विराजमान हैं जो अपने हाथ बढ़ाकर उदार हृदय, दयालु तथा परोपकार मनुष्य के स्वागतार्थ वो खड़े हैं। यानी जो व्यक्ति उदार है, दयालु है, परोपकारी है, ऐसे मनुष्य के स्वागत करने हेतु वो अपने दोनों बाहों को आगे बढ़ाए खड़े हैं। इसलिए तुम परस्पर एक दूसरे के सहयोग से उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर जहाँ देवता स्वयं तुम्हें अपनी पवित्र गोद में बैठे बैठने के लिए उत्सुक हैं, बिठाने के लिए उत्सुक हैं। देवताओं की पावन स्थान पाने के लिए अर्थात अमरत्व प्राप्त करने के लिए तुम इस मरणशील संसार में निष्कलंक जीवन व्यतीत करते हुए, एक दूसरे के कल्याण करते हुए स्वयं अपना उद्धार करना होगा। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के किसी काम न आ सके, तुम्हारे होने से किसी का कोई काम न बने। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य अन्य मनुष्यों के काम आता है। कवि परस्पर सहायता द्वारा कार्यों की सिद्धि को महत्वपूर्ण मानता है। यहाँ पर कवि ने यही बताया गया है कि हमेशा एक दूसरे का कल्याण करो, एक दूसरे की सहायता कर आगे बढ़ते जाओ, ताकि ऐसे ही परोपकारी, दयालु और उदारमतवादी व्यक्तियों की स्वागत करने के लिए इस आकाश में, अपरिमित आकाश में असंख्य देवतागण वहाँ पर अपने दोनों बाहुओं को, दोनों हाथों को बढ़ाकर तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। यानी आपको क्या कर रहे हैं, पवित्र, उनके पवित्र गोद में बैठने के, बिठाने के लिए वो उत्सुक हैं। आपको वो पवित्र करना चाहते हैं, आपको वो महान करना चाहते हैं। तो ऐसी महानता अगर आपको करनी है तो आपको क्या करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। न हो एक दूसरे की काम आकर ही आपको सच्चे मनुष्य की तरह जीना है और सबको साथ लेकर
आगे बढ़ना है, यही मनुष्यता का मुख्य गुण है। हमारा सातवां काव्यांश है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक हैं, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर मात्र यानी केवल, बंधु यानी भाई, विवेक का अर्थ है भले बुरे का ज्ञान होना। पुराण पुरुष यानी पुराणों में जिस पुरुष की संज्ञा दी गई है। स्वयंभू यानी परमात्मा, बाह्य यानी बाहरी, भेद का अर्थ है अंतर। अंतरैक्य यानी आत्म की एकता, प्रमाणभूत यानी साक्षी। अनर्थ यानी दुर्भाग्य, व्यथा यानी पीड़ा दुख, हरे यानी दूर करना। इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त ने बंधुत्व की भावना को मनुष्य के सबसे बड़ी विवेकशीलता माना है। कवि कहते हैं, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्य को अपना बंधु समझे। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, वह स्वयंभू यानी परमात्मा है। यह ठीक है कि विविध कर्मों के फलानुसार सब आपस में भिन्न हैं, अर्थात जिसने जैसे कर्म किए उसे वैसा ही जन्म मिला, वैसा ही फल मिला, परंतु आंतरिक दृष्टि से सभी एक हैं, समान हैं, एक जैसे हैं। स्वयं वेद इस आंतरिक एकता के साक्षी है। अतः संसार में यह सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट न हरे। सच्चा मनुष्य वही है कि जो मनुष्य अन्य मनुष्यों के लिए जीता है और मरता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर यही बताया है कि कोई भेदभाव नहीं करना है, बस मनुष्यता इसी गुण को अपना कर इस संसार में रहने वाला हर एक व्यक्ति अपना बंधु है, इसी तरह से मानकर हमें उसके दुखों को दूर करना है। यही मनुष्यता का सर्वप्रथम गुण यहाँ पर कवि ने हमें बताया है। अब बढ़ते हैं हमारे इस काव्यांश का आठवां और आखिरी काव्यांश, उसे अब हम पढ़ते हैं। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विग्रह जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंत में सतर्क पंत हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर अभिष्ट यानी इच्छित, सहर्ष यानी प्रसन्नता पूर्वक, विपत्ति यानी कठिनाइयाँ, विघ्न यानी बाधाएं, हेल मेल का अर्थ है मेलजुल, भिन्नता यानी अलग होने का भाव, अतर्क यानी तर्क से परे, सतर्क पंथ यानी सावधान यात्री, समर्थ यानी शक्तिशाली, तारता यानी उद्धार करता हुआ। अब देखते हैं कवि ने इस आखिरी काव्यांश में क्या कहा है। इस प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है, तुम जीवन में जिस मार्ग पर भी चलना चाहते हो, हंसी खुशी से चलते चलो। रास्ते में जो भी संकट आए उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ, परंतु यह ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मेल जोल न घटे, मित्रता और एकता का भाव कम न हो, आपस की भिन्नता में वृद्धि न हो। मनुष्य मनुष्य में वर्ग, जाति, रंग, रूप, प्रांत, देश आदि के अंतर न बढ़े। सभी मत पंथ और संप्रदाय सतर्क होकर उस
तर्कातीत एकता को बढ़ाने में सहयोग दें। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे तथा स्वयं भी तरे। वह जनकल्याण करते करते तरे। सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के लिए मरे। औरों के लिए मरे यानी औरों के काम आए। बच्चों, यहाँ पर इस आखिरी काव्यांश ने कवि ने कितना सुंदर ऐसा हमें ज्ञान दिया हुआ है कि उन्होंने यही कहा है कि तुम्हें जिस जीवन मार्ग पर चलना है उस जीवन मार्ग पर तुम चलो, लेकिन यह ध्यान में रखो कि उस जीवन मार्ग में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हंसते हंसते हंसी खुशी से ढकेलते हुए यानी उसे लड़ते हुए उसे अपने जीवन से मिटाते हुए आपको आगे बढ़ना है। और ख़ास करके यह ध्यान में रखने के लिए कहा है कि जब इस रास्ते पर चलते समय भले ही कितने संकट आए उन संकटों से तुम लड़ते रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, लेकिन उस आगे बढ़ते समय तुम्हारे मेल जोल में यानी तुम्हारे जो रिश्ते हैं जो रिश्ते नाते हैं उन रिश्तों में कभी भी किसी भी प्रकार की दरार ना आए, फिर वो मित्रता हो या जो आपके रिश्तेदार हो उनमें कभी भी भिन्नता या दरार न पड़ जाए, उनमें एकता एक विश्वास कायम स्वरूप बनाए रखनी चाहिए, वो कभी कम नहीं होना चाहिए, वृद्धि न हो यानि उसमें कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। आप सबको अच्छी तरह से महत्व देना है सभी को और ना भी किसी प्रकार के जाति रंग रूप देश प्रांत किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव उसमें करना नहीं है। जो भी आपके सामने आते हैं मित्र है उन सबको अपना कर उन्हें अपने साथ लेकर उनके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करना है व्यवहार करना है और उनके साथ एकता के साथ उन्हें भी अपने उनके जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए आपको सहायता करनी है सहयोग देना है। और यही यहाँ पर कवि ने कहा है कि यही सबसे बड़ी मनुष्यता है। जो व्यक्ति लोगों के खुद भी तर रहा है यानी खुद भी आगे बढ़ रहा है और दूसरों को भी अपने साथ आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दे रहा है, यही तो सच्ची मनुष्यता है। तो बच्चों, इस कविता में हमें बहुत कुछ मनुष्यता के गुणों को बताया गया है जिसे हमने इन 8 काव्यांश को पढ़कर देखा है कि किस तरह से उन्होंने समृत्यु के बारे में बताया गया है। बच्चों, इस संसार में हम जब हमारा जन्म हुआ है तो उस जन्म का कोई एक मतलब होना चाहिए और इसी तरह से उन्होंने समृत्यु के बारे में बताया गया। दूसरा कि लोगों के मन में हमारे प्रति हमारे काम के ज़रिए हमारी उदारता हमारे परोपकार उनके मन में रहने चाहिए और इसी तरह से उन्होंने हमें किसी संपत्ति के ऊपर धन दौलत के ऊपर गर्व न करते हुए मनुष्य को महत्व देना चाहिए। इस संसार में रहने वाला हर एक व्यक्ति हमारा बंधु है और इस तरह से हमारे किसी भी रिश्तों में कोई कमी ना आनी चाहिए दरार ना आनी चाहिए। इसी तरह के बहुत